आज हम 10 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक पढ़ेंगे। आराम से बेटा, चलिए। गुड मॉर्निंग, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी। वो तो अभी यूट्यूब लाइव भी होने वाला था, बट सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, वो यूट्यूब लाइव अपन नहीं कर पा रहे। फेसबुक लाइव हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और ये रिकॉर्डिंग तब तक रहेगी जब तक पेपर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझना शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका लेक्चर रहेगा वो पहले हम आज, मैंने टोटल 10 घंटे दिए हैं आपके रिवीजन को, और 10 आवर्स, तो आज और कल दो दिन। इसमें पहले अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें कुल जमा 20 मार्क्स, सॉरी मिनिमम 20 मार्क्स और मैक्सिमम 40 मार्क्स तो आते हैं। कभी कभी 35-40 तक पहुंच जाता है आंकड़ा, लेकिन नॉर्मली 25 मार्क्स तो आप एवरेजली मान लो कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को है ही। यानी 45% ऑफ योर पेपर कंप्राइजेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो पहले वो करेंगे और कल बाकी सारे करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 6 यूनिट्स डिटेल में हम रिवाइज करना। ओके चलिए, तो डिटेल में रिवाइज करने के लिए मेरा एक तरीका है कि आप मेरे साथ अपनी कॉपी में बाकायदा ये डायग्राम जो मैं आपके साथ बैठ के बना रहा हूं ये बनाएंगे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे दिमाग में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपने मेरे साथ पढ़ा है वो बैठेगा, है ना। बकर बकर करने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ अभी आपको स्लाइड बता दूं, मैं इस बहाने आप एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा लिख लेंगे इन 6 घंटों में, 5 घंटों में। तो हम बस वही चाहते हैं कि इन दीज 5 आवर्स विल बी एबल टू कंप्लीट दिस होल एक्सरसाइज इन डिटेल। इसलिए ही इस रिवीजन का नाम जो हमने रखा था वो बहुत क्लियरली रखा है, डिटेल्ड रिवीजन। ये कोई फटाफट बोलने वाला नहीं, और हर टीचर आपके साथ, आपने देख लिया है टाइम टेबल पूरा, हर टीचर आपके साथ दो दिन पूरा कंपोजिट रिवाइज करवाने के लिए है। तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम के पहले अब नाटा प्रोफेशनल एकेडमी आपके साथ 10 दिन रिवीजन दे रही है आपको। मेरा ख्याल है दो दिन अकाउंट्स है, दो दिन लॉ है, दो दिन इको है, 6 दिन तो ये हो गए, और एक एक दिन मैथ्स, स्टैट्स और BCR, तो टोटल हो गए आपके 9 दिन। तो 9 डेज का आपका जो ये कंपोजिट रिवीजन है, इसके बाद अब आप जैसे ही ये खत्म होगा, आपके एग्जाम कब है, 24 को, और ये खत्म हो जाएगा कब, 9th और 8th को, 8th इज द लास्ट डे मैंने ख्याल रिवीजन का। बस उसके बाद मॉक टेस्ट भी लेंगे हम, तो एक एक मॉक टेस्ट होगा, लेकिन वो मैं प्लान कर रहा हूं कि वो मॉक टेस्ट हम आपका लें, हमारे पूरे रिवीजन खत्म हो जाए,
उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सात दिन आप अपनी जबरदस्त तैयारी कर लें, हेलो, और उसके बाद अपने घर पर बैठकर जो हम मॉक टेस्ट भेजें उन मॉक टेस्ट को दें, या यहां आकर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहां भी आके मॉक टेस्ट देना दे सकते हैं, दोनों सुविधाएं आपके पास उपलब्ध रहेंगी। हेलो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उन पे तो ऐप पे ही हो जाएंगे आपके मॉक टेस्ट, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव मैटर के लिए हम चाह रहे हैं कि अकाउंट्स और लॉ और बीसीआर, इनके लिए हम यहां मॉक टेस्ट रखें और आप यहाँ के मॉक टेस्ट दें। हम तो ऑनलाइन वाले भी मॉक टेस्ट यहाँ रख लेते हैं कि आप यहाँ बैठकर सॉल्व करो, तो अभी देखेंगे, डिसाइड करेंगे, है ना। चलो, अब बाकी लोग भी जुड़ गए, लेट स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको आती है यूनिट नंबर 1। जस्ट अ मिनट, आप कहां लिखेंगे ये मैं बता देता हूं, बिल्कुल बीच पेज में। आपका डायग्राम जो मेरे साथ बन रहा है वो बिल्कुल अलग बन रहा है, दिस इज यूनिट 1। यूनिट 1 का हमको नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, वापस लिख देता हूं, सिर्फ यूनिट 1 लिख रहे हैं हम। यूनिट 1 आपके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी, है ना। हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहली बात जो मैंने और आपने देखी थी वो थी एप्लीकेबिलिटी की, दैट वॉज अबाउट एप्लीकेबिलिटी। और एप्लीकेबिलिटी में मैंने और आपने क्या देखा था, आप भले ही चार्ट मत बनाओ, आप सीधे भी लिखते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप फिर चार्ट बनाओगे तो दिक्कत आएगी। ये चार्ट मैं आपको दे दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने हाथ से लिखोगे तो प्रोसेस होके दिमाग तक पहुंचेगा, खाली बकर बकर से कुछ काम नहीं चलेगा। लेट स्टार्ट। एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बताई थी दो फेज में, 1 सितंबर 1872 से 8 अगस्त 2019 तक, और 9 अगस्त 2019 से टिल नाउ दो बार इसकी एप्लीकेबिलिटी हुई। ये थी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और ये थी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबिलिटी हमने देख ली थी, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में बनेगा, चाहे वो फॉरेनर बना रहा हो चाहे वो इंडियन बना रहा हो, भारत की सरजमी पे बनने वाले हर कॉन्ट्रैक्ट पर क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा, चाहे दो फॉरेनर इंडिया आकर कॉन्ट्रैक्ट करें या दो इंडियन इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करें। मुझे मतलब नहीं है कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, किसी भी सिटीजनशिप का कोई भी आदमी, नेचुरल आदमी, लीगल आदमी, कोई भी बंदा जो नेचुरल पर्सन है, लीगल पर्सन है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इंडिया में आके कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज इट इज उसके ऊपर लागू होता है। ये बात हमने सबसे पहले पढ़ी थी। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है डिफाइंस जस्ट इन पर्सोनम नॉट जस्ट इन रैम। ये लाइन मैंने आपको बताई थी,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है जस इन पर्सोनम को, लेकिन डिफाइन नहीं करता है जस इन रैम को। यानी एक व्यक्ति के अगेंस्ट अगर आपके कोई अधिकार हैं, तो एक व्यक्ति के अगेंस्ट अधिकारों की व्याख्या तो होगी। आपने अगर एक मोबाइल किसी दुकान से खरीदा है और उस मोबाइल में अगर गड़बड़ है, तो मोबाइल बेचने वाले के अगेंस्ट में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाकायदा अधिकार देगा। लेकिन आपके मोबाइल को आपके पड़ोसी ने अगर छेड़ दिया है या चुरा लिया या यूज कर लिया आपके बिना इजाजत के, तो आपके पास उसके खिलाफ जो अधिकार हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं है। दे आर नॉट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इज दैट क्लियर? गुड। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत क्लियर है कि डिफाइन जैसिन रैम करता है, लेकिन जैसिन पर्सोनेम नहीं करता। इट डजंट हैव जैसिन पर्सोनेम, इट हैव ओनली जैसिन, सॉरी, इट हैज ओनली जैसिन पर्सोनेम, इट डजंट हैव जैसिन रैम। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हमने एक बात और की थी। इफ एनी अदर एक्ट रिक्वायर्स एनीथिंग स्पेशल, अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट in that act, that act will have an overriding effect. That act will have an overriding effect. अगर कोई अदर एक्ट कोई स्पेशल चीज चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में या स्पेशल प्रोविजन चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेशल अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट इन दैट एक्ट विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, उस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चाहता है कि राइटिंग में होना चाहिए तो राइटिंग में होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट चाहता है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, रेवेन्यू स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, तो फिर वैसा होना चाहिए। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डोमिनेंट एक्ट नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सबमिसिव एक्ट है। मतलब कोई और एक्ट अगर कुछ और बोलते हैं तो उनकी बात को माना जाएगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बात कर रहे हैं। जैसे शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लग गया, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग गई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लग गया। तो देर आर, ये बात हमने की थी, वापस कर ली। अब ये तो पहली बात थी जो अबाउट द एक्ट हमने की थी। उसके बाद हमने दूसरी बात जो करना शुरू की थी वो करना शुरू की थी डेफिनेशंस की। और डेफिनेशन में सबसे पहले हमने पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज एच कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो हमसे कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एवरी एग्रीमेंट, हेलो, विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। एवरी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, तो हमने कहा था भाई साहब
एग्रीमेंट क्या होता है ये तो बता देते, तो हमसे टू क्लॉज ई ने कहा कि एग्रीमेंट क्या है, तो हमसे एग्रीमेंट की डेफिनेशन बोली गई दैट एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. याद आया, मेरा प्रॉमिस आपके लिए कुछ है, आपका प्रॉमिस मेरे लिए कुछ है, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, एग्रीमेंट है. एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट. हर प्रॉमिस, हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्या है, कंसिडरेशन है, वो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट. मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने प्रॉमिस किया कि आप मुझे फीस देंगे, मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन है, आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन है, इसलिए ये एक एग्रीमेंट. लेकिन हमने कहा भैया प्रॉमिस क्या होता है, तो टू क्लॉज बी ने हमें आकर प्रॉमिस के बारे में बताया कि प्रॉमिस का मतलब होता है व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस. जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है. व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस. आपने कहा आप हमें पढ़ाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, तो क्या बन गया, प्रॉमिस. हेलो, एनी डाउट? टू बी के बाद फिर टू ए आता है कि ऑफर या प्रपोजल किसे कहते हैं. तो आपको याद आएगा मैंने क्लॉज टू ए के अंदर आपको बताया था क्या, व्हेन वन पर्सन क्या करता है, वर्ड बताओ, सिग्निफाइज टू अनदर, क्या सिग्निफाई करता है, to do something or not to do something or to abstain from not doing something. With an intention, इसलिए with an intention to get असेंट फ्रॉम अदर पर्सन, तो हम बोलते हैं कि पहले बंदे ने दूसरे बंदे को क्या दिया है, ऑफर दिया है. फर्स्ट पर्सन हैड गिव ऑफर टू अनदर पर्सन, पहले बंदे ने दूसरे बंदे को ऑफर दिया है, ऐसा कहा जाता है. क्या मेरी बात आपको समझ में आई, याद आ गई, सबने लिख लिया, आगे बढ़ें. लिखना क्या है आपको, तो एकदम पेन एकदम फ्लो में चल रहा होगा, क्या ये सारे वर्ड्स याद है ना. तो व्हेन, जब भी कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस. प्रॉमिस जब एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन जाते हैं तो क्या बन जाता है, और एग्रीमेंट अगर क्या हो, इनफोर्सिबल बाय लॉ हो, तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अब बात आती है कि कोई भी एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ बनता कैसे है, हाउ एन एग्रीमेंट विल बिकम Enforceable by law, उसके लिए हम आए थे कौन सी सेक्शन पे दोस्त,
उसके लिए हम आए थे सेक्शन 10 पर कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, याद आया? और सेक्शन 10 में जाकर के हमने पढ़ा था दैट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट कंप्लाइज विथ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। सारी नीचे लिखी हुई कंडीशंस को अगर फॉलो करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पहला, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी आउट ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। For a lawful object or consideration, free consent of the parties competent to contract for a lawful object or lawful consideration, और उसके बाद not expressly declared void। और ये वाली चीज तो मैंने कहा था कि ये तो कोई और एक्ट अगर चाहता है कि कुछ और फॉर्मेलिटी करना है तो वो और करो, हेलो, अदर एक्ट फॉर्मेलिटी, तो वो तो ठीक है, अदर एक्ट की फॉर्मेलिटी जो होगी वो वहां तक होगी, अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल ही नहीं होगा। जैसे तुमने पार्टनरशिप एक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है लेकिन वो इनफोर्सेबल ही नहीं है। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड होना चाहिए, एंड अगर कोई और अदर रिक्वायरमेंट्स है तो वो लाइए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या गुण है, तो पहले कम से कम दो पार्टियां, दोनों पार्टियां कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों ने फ्री कंसेंट दी हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, कंसिडरेशन भी लॉफुल हो और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय द एक्ट नहीं हो, और अगर अदर कोई एक्ट कोई और फॉर्मेलिटी चाहता है तो वो फॉर्मेलिटी भी हो जाए। हेलो, वेरी सिंपल, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए, पर कई बार बिना इंटेंशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जैसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अभी अपन पढ़ेंगे। तो ये था पहला, दूसरा पोर्शन जो अपन ने पढ़ के खत्म किया था, दैट वाज डेफिनेशन पोर्शन। और डेफिनेशन पोर्शन के बाद हम आए थे कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसके बाद हम जो आए थे वो इस पर आए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, on the basis of validity, on the basis of formation, on the basis of execution. Validity की basis पर पहला contract था valid contract, जिसकी definition हम ऊपर ही देख चुके कि हर agreement जो enforceable by law है वो contract है।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद आया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब तो वो वैलिड है, लेकिन बाद में किसी इवेंट या सरकमस्टेंसेस के कारण वो वॉइड हो जाता है, जैसे कि मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बाद में जाकर मैं अगर पागल हो जाऊं। तो चूंकि ये पढ़ने पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, यही वॉइड हो जाएगा। कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो देर आर एन नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें नॉर्मली तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जिसमें दोनों पार्टियों को एक दूसरे के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। बोथ द पार्टीज विल हैव राइट अगेंस्ट ईच अदर। हेलो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी कुछ ऐसे कर्म कर देती कि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के अधिकार उसके खत्म हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के रहते हैं। मैंने आपको एडमिशन देकर पूरी फीस ले ली और आपकी बैच सात सात दिन करके मैं बढ़ाता जा रहा हूं। एक मोमेंट ऐसा आएगा जिस मोमेंट पर आपके पास दो चॉइस होंगी कि इस आदमी को हमने पैसे दे दिए लेकिन इसने बैच चालू नहीं की, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दो और कह दो नमस्ते, आपके पैसे वापस ले लीजिए, हमें आपसे नहीं पढ़ना। या आप ये कह सकते हो आप तो जब भी बैच चालू करो तब करना, कोई बात नहीं, ये अटेम्प्ट नहीं तो अगला दे दूंगा। मतलब सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन पर वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। याद आया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कैसे होता है? देखिए ऐसा है कि मैं तो यही चाह रहा हूं कि जो एग्जांपल मैंने आपको तब दिए थे वही एग्जांपल से मैं आपको पढ़ाऊं, तो आपको वो रिविजन भी हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने आपको पान पराग खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब मध्य प्रदेश में पान पराग खरीदना बेचना कानूनी था, लेकिन बाद में कानून में परिवर्तन हुआ और उन्होंने कह दिया कि अब कोई पान पराग खरीदेगा बेचेगा तो उसे जेल में डाल देंगे। अब मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मुझे अभी आपको पान पराग की डिलीवरी करनी है, लेकिन मैंने पूरे पैसे आपसे ले लिए, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? तो नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इल्लीगल हो गया है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहें कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहें, तो हमने क्या कहा, ऐसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो इसलिए वॉइड हुए हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या हो गया है, इल्लीगल, उन्हें हम इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानेंगे। इसलिए हर इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने में कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से इल्लीगल होना अपने आप में एक हो सकता है। याद आया? गुड। तो पहला हुआ वैलिड, दूसरा हुआ वॉइड, तीसरा हुआ वॉइडेबल, चौथा हुआ इल्लीगल, पांचवा होगा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन किसी अन्य एक्ट के हिसाब से वो अभी इन्फोर्स नहीं हो सकता। जैसे एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ने अगर किसी थर्ड पार्टी को माल बेचा और उससे पैसे नहीं आए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी फर्म क्या है,
अनरजिस्टर्ड है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक आप दावा नहीं लगा सकते। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन किसी दूसरे एक्ट की टेक्निकल डिफिशियंसीज की वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं है, हेलो, और वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा अगर आप वो टेक्निकल डिफिशियंसी दूर कर दें। मतलब अगर आप जाके अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा लें पार्टनरशिप फर्म का तो आप दावा लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे दावा नहीं लगेगा। हेलो, तो इसे क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अभी अनएनफोर्सेबल है। जब तक ये टेक्निकल डिफिशियंसी दूर नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनएनफोर्सेबल। जिस दिन टेक्निकल डिफिशियंसी दूर कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम एनफोर्सेबल। इज दैट क्लियर? यानी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या नहीं, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या कभी वैलिड बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या कभी वैलिड होगा? वॉइडेबल तो वैलिड ही होता है जब तक आप वॉइड ना करो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया है तो अब वो वापस वैलिड होने का सवाल ही नहीं होता। हेलो, चलें आगे। ये बात भी आपको बहुत क्लियर है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड नहीं होता। अब एक टुच्चा सा क्वेश्चन आता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में अंतर बताओ। अरे बाबा, वॉइड एग्रीमेंट एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट था जो अब वॉइड हो गया है। वॉइड एग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में वॉइड होता है। हेलो, वॉइड एग्रीमेंट में कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन होता है। मतलब तुमने मुझे फीस दी है और मैंने अगर नहीं पढ़ाया और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था और आपने अगर वॉइड कर दिया तो मुझे आपकी फीस वापस करनी पड़ेगी। लेकिन आपने मुझे सुपारी दी कि किसी को मारना और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप मुझे सुपारी के दिए हुए पैसे वापस नहीं ले सकते हो। गॉट माय पॉइंट? गुड। क्या हुआ प्रभु? अरे यार, अब आधा तो हो गया लेक्चर, अब क्या करोगे? एक घंटा 40 मिनट बाद लाइव करके क्या करोगे? अब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, डाल देना। कल हो सके अगर आप लोगों से तो कल लाइव कर देना। कल अगर हो सके तो इस नाचीज पे, इस गरीब पे इतनी दया करना, है ना। बाकी बोल दो उनको, प्रणाम कर देना मेरी तरफ से। नाउ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनइन्फोर्सेबल हो गए। चलिए फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास तीन थे। पहला एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। याद आया? चलो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमने एक्सप्रेसली डिफाइन किए। द टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफाइंड एक्सप्रेसली। हमने जब टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्रेसली डिफाइन किया है तो हम उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? मैंने और आपने बोल करके अगर कुछ किया है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, एक्सप्रेस भी कहलाएगा। बोल कर किया है, लिख कर किया है। इवन मैं और आप अगर डीफ एंड डम है और हमने इशारों में कम्युनिकेट करके एक दूसरे को समझाया है तो वी हैव एक्सप्रेस इट। क्लियर? बट सीधे आकर आप क्लास में बैठ गए, बिना नीचे रिसेप्शन पर मिले, बिना
नीचे रिसेप्शन पर बात किए, टर्म्स कंडीशन डिसाइड किए, अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर आप सीधे यहाँ आकर बैठ गए कि देखें जरा तेरी नाटा एकेडमी में क्या पढ़ाया जाता है। और हमने 15 दिन बाद आपको बोला कि फीस दो तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हो, इम्प्लाइड में। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो ऑफर दिया नहीं, आपने एक्सेप्टेंस किया थी। बस में चढ़ने के दो तरीके होते हैं, टिकट लेकर बस में चढ़ा जाए और लटक कर चढ़ा जाए। तो अगर टिकट लेकर चढ़ा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और दौड़ते हुए लटक के पकड़ोगे तो क्या कहलाएगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको यहीं खत्म करते हैं, इसको अब छठी यूनिट में नहीं लेके जाएंगे, यहीं की यहीं इसको खत्म करते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई साहब, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे इम्प्लाइड बाय लॉ कहा गया है। इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ, हेलो, ये इम्प्लाइड बाय लॉ होता है, इसे लॉ द्वारा इम्प्लाइड किया जाता है। दिस इज इम्प्लाइड बाय लॉ, इसे कौन इम्प्लाई करता है, लॉ इम्प्लाई करता है। दोनों पार्टियों को पता नहीं होता कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक दिन कानून एकदम से प्रकट होके कहता है भाई साहब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर नहीं देती, एक्सेप्टेंस नहीं देती, लेकिन उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से जनरेट होता है एक प्रिंसिपल के कारण जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विटी। लॉ ऑफ इक्विटी का मतलब होता है नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एट द कॉस्ट ऑफ अदर, कोई भी किसी के पैसों पर मजे नहीं ले सकता। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स अगर आप हो, अगर आपको रोड पर गुमा हुआ खत्री सर का बटुआ मिल गया है तो उसमें जितने पैसे हैं वो आपको खत्री सर को ढूंढ कर वापस लौटाने होंगे, दैट इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। गलती से आपके घर अगर कोई पिज्जा डिलीवर कर गया है और आपने उसको उदरस्त कर लिया है, खा लिया है, तो यू आर अंडर एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, माइनर के नेसेसरीज के सप्लाई अगर आपने की है तो माइनर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी जो है वो जिम्मेदार अभी भी होंगी, दैट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एक ऐसी लाइबिलिटी का पेमेंट किया जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, मैंने मकान मालिक के पूरे मकान के बिल का, बिजली के बिल का भुगतान किया क्योंकि वो फॉरेन गया था, और अगर मैं उसके बिजली के बिल का भुगतान नहीं करता तो मेरी बिजली कट जाती भाई साहब, इसलिए मेरी पढ़ाई बंद हो जाती भाई साहब, इसलिए मैंने मकान मालिक का पूरा पेमेंट किया, अब मकान मालिक को मेरा पेमेंट करना पड़ेगा। याद आया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स, गुड्स रॉन्गली डिलीवर्ड एक्सेप्टेड बाय यू, माइनर्स एग्रीमेंट और पर्सन नॉट कॉम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर नेसेसरीज, और उसके बाद एक और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन विच दैट पर्सन हैज एन इंटरेस्ट। हेलो, इसके बाद एक और पढ़ा था नॉन ग्रेचुटियस एक्ट, किसी ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया है लेकिन गलती से आपके पास छूट गया है तो हम उसे कहेंगे भाई ये नॉन ग्रेचुटियस एक्ट था। मैंने कहा था एक अगरबत्ती बेचने वाला आपके घर आया और मान लो उसने सारी अगरबत्तियां बताई और जल्दीबाजी में दो अगरबत्ती के पैकेट छोड़ के चला गया तो वो आपको गिफ्ट देके नहीं गया, ये वो उसे वापस कर दो। हेलो, दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेचुटियस एक्ट। तो ये कहलाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए भाई साहब, एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्वासी, और इसी में एक और होता है दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा, दैट वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट, ई कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम ई कॉन्ट्रैक्ट ही कहेंगे, दैट वुड बी ट्रीटेड एज ई कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर, आगे बढ़े।
इसके बाद आए थे हम एग्जीक्यूशन के ऊपर, और एग्जीक्यूशन में हमारे पास चार कॉन्ट्रैक्ट थे। पहला एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तीसरा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। याद आया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इन चारों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बात की थी। कैमरा गायब हो गया है, भगवान ही मालिक है इस बैच के लोगों का। There is some technical problem. We are joining again. Camera problem दे रहा है, please आइए। एक मिनट रुक जाओ। पूरा revision हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि सर थोड़ा जल्दी कर देते तो हो जाता। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो फिर मैं सही हूं। कुछ लोगों को लग रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दो। नहीं, मेरी स्पीड यही रहेगी, मैं आपको करवा दूंगा, आप उसकी चिंता छोड़ो। जो जहां इंपॉर्टेंट है उसको वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि कोई दिक्कत नहीं। और याद आ रहा है कि नहीं रे ऑनलाइन वालों, याद आ रहा है या नहीं? सब कुछ याद आ रहा है, बढ़िया है, बस इसीलिए तो बुलवाया है। अरे कुछ लोग इसलिए आए हैं क्योंकि वो उस बीच में कहीं गायब थे, तो उन्होंने कहा यार अब उस समय गायब थे तो दो दिन में कंप्लीट कर लो। वो नहीं हो पाएगा, ये तो उनको ही समझ में आएगा जिन लोगों को पढ़ा हुआ है। क्यों भाई, क्या हुआ सर, कैमरा बंद क्यों हो गया? हर चीज तुम मेरी बैच में ही करोगे हैं? सही तो कर उसको। अब ये कितनी देर चलेगी, ये कितनी देर चलेगी, तो बदली क्यों नहीं पहले, पहले क्यों नहीं बदली? तो अभी तो एक घंटा भी नहीं हुआ चालू हुए, 50 मिनट भी नहीं हुए, तो पहले देखो ना। बुलाओ तुम्हारे बॉस, बात करता हूं मैं। वो कहा है तुम्हारा जिस बंदे ने लगाया था अभी, बोलू नहीं उससे ऊपर, उसको बोलना कि जब भी क्लास चालू हो उसके पहले करो। चलिए, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी पार्टीज ने अभी तक अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं दिया है, देखो दो तरीके की बात करती, या तो दोनों तीनों चारों पांचों जितनी भी पार्टीज हैं, नॉर्मली तो दो ही होती, दोनों पार्टीज ने अपना अपना परफॉर्मेंस दे दिया तो हम उसे कहते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने मुझे फीस दे दी, एग्जीक्यूटेड। मैंने बस के पैसे दे दिए, बस ने मुझे स्थान पे पहुंचा दिया, एग्जीक्यूटेड। तुमने मूवी का टिकट लिया, मूवी वाले ने मूवी दिखा दी, एग्जीक्यूटेड। हेलो,
लेकिन तुम मूवी में बैठे हो, मूवी चल रही है, तुम बस में बैठे हो, बस चल रही है. हेलो, दैट इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं उसे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. इज दैट क्लियर? तुमने फीस नहीं दी, मेरा पढ़ाना भी अभी बाकी है. एग्जीक्यूटरी मैंने पढ़ा दिया लेकिन तुम्हारी फीस नहीं हुई, एग्जीक्यूटरी. तुमने फीस दे दी लेकिन मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, एग्जीक्यूटरी. लेकिन अगर तुमने कोई प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया है तो अब सिर्फ मेरा बचा है, तो उसे बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. मैंने जाते जाते अपने प्यून को कहा कि भाई अगर समय मिले तो मेरी कार साफ कर देना, कार साफ करेगा 25 रुपए दूंगा, क्योंकि एकेडमी के प्यून को कि ये ड्यूटी नहीं है कि वो मेरी कार साफ करे. लेकिन मैं, मुझे दिखता है कि कभी कभी वो फ्री होता है, तो मैंने उससे बोला कि भाई अगर हो सके तो मेरी कार साफ कर दे, अगर तूने कार साफ कर दी तो मैं तुझे 25 रुपए दूंगा. भाई साहब उसने कार साफ कर दी तो ये अब हो गया यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसकी तरफ से तो कंप्लीट है, मुझे कंप्लीट करना. और मान लो अगर वो कार साफ नहीं करता तो मैं उसका कुछ बिगाड़ सकता था क्या? नहीं, कारण मैंने उसे प्रॉमिस दिया था, उसने मुझे प्रॉमिस, इसलिए वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. हेलो, मैंने उससे कहा तुम्हारी ड्यूटी है रोज मेरी कार साफ करोगे और मैं तुम्हें 25 रुपए दूंगा. हेलो, अब अगर उसने कार साफ नहीं की तो मैं भी उससे डैमेज मांग सकता हूं, और उसने अगर कार साफ कर दी तो वो मुझ पैसे मांग सकता है. यानी दोनों पार्टीज ये परफॉर्मेंस देना है. हेलो, तो उसे क्या कहते हैं, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. और एक पार्टी, अगर एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस दे रही है, दूसरी को सिर्फ एग्जीक्यूट, मतलब दूसरी को सिर्फ वेट करना है कि वो पार्टी प्रॉमिस पूरा कर दे, ताकि ये पार्टी क्या कर दे, परफॉर्म कर दे, तो उसे हम कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. हेलो, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए बाबूजी, टोटल? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, कॉसी, ई कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, बायलेटरल, यूनिलेटरल. तो ये थे सारे के सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आगे बढ़े, इसके बाद हम शुरू हुए थे यूनिट वन के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर. तो ऑफर की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली थी 2A में. फिर हमने पढ़े थे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफर, कितने प्रकार के ऑफर होते हैं. तो हमने पढ़ा था अलग अलग बेसिस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला पढ़ा काइंड्स ऑफ ऑफर में ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑफरी. ऑफरी की बेसिस पर हमारे पास दो ऑफर थे, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर. ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हमारे पास कौन कौन से ऑफर थे, दो ऑफर थे, अनकंडीशनल ऑफर एंड कंडीशनल ऑफर. तीसरी बात जो वहां थी वो थी ऑफरी कंडीशन, तीसरी बात जो थी दैट इज मोड. और मोड के आधार पर मैंने कहा था एक्सप्रेस्ड ऑफर भी हो सकता है और इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है, और स्पेशलिटी के आधार पर मैंने कहा था तीन टाइप के ऑफर होते हैं, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर. याद आई मेरी बात? ऑफर, ऑफर ऑफरी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, मोड के हिसाब से, स्पेशलिटी के हिसाब से कैसे होते हैं,
तो सर इतने टाइप के होते हैं। पहला, जनरल ऑफर क्या होता है? सर, जनरल ऑफर का मतलब होता है ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। मेरा बैग गुम गया है, ढूंढ कर लाने वाले को 1000 रुपए का इनाम। आप कोई भी ढूंढ के ला दे, हमें क्या? दैट इज नोन एज विच ऑफर? जनरल ऑफर। लेकिन मैंने कहा तुम मेरा बैग ढूंढ कर लाओगी क्या, तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक ऑफर। इन दो लड़कियों को भी मैंने बोल दिया कि तुम दोनों मेरा बैग ढूंढ कर लाओगी क्या, तो भी स्पेसिफिक। पब्लिक एट लार्ज को दिया गया ऑफर क्या है? उसके अलावा सारे ऑफर क्या है? स्पेसिफिक। गॉट इट? आपने मुझसे कहा सर क्या आप हमें बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे? मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगा, ये अनकंडीशनल ऑफर है। सर क्या आप हमें बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे और आखिरी में 10 घंटे का रिवीजन कराएंगे तो हम आ रहे, नहीं तो नहीं आ रहे? इसे क्या कहा जाएगा? कंडीशनल ऑफर। समझ में आया? बोल कर कह रहे हो सर हमको पढ़ाओगे क्या, लिख कर पूछ रहे हो हमें पढ़ाओगे क्या, एक्सप्रेस्ड ऑफर। सीधे आकर क्लास में बैठ गए, इम्प्लाइड ऑफर। याद आया? मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी, मैंने तुम्हें एसएमएस किया, मैंने तुम्हें पेम्पलेट भेजी और कहा मेरी बैच ज्वाइन कर रहे हो क्या, कल से शुरू हो रही है, और आपने मेरा ऑफर आप तक पहुंचता उसके पहले आपने नाट एकेडमी को ऑफर दे दिया कि क्या आप हमें फाउंडेशन पढ़ा रहे हो। मतलब ये हुआ कि 1 घंटे बाद मेरा ऑफर आपकी टेबल पे था, आपका ऑफर मेरी टेबल पे था, ये कौन सा ऑफर था? क्रॉस ऑफर। और क्रॉस ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होते, क्रॉस ऑफर को एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है, क्रॉस ऑफर्स आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेंस। याद आ गया? मैंने आपको कहा कि क्या आप मुझसे पढ़ोगे, आपने कहा कि अगर 2000 रुपए में पढ़ाते हो तो पढ़ेंगे। मतलब मैंने ऑफर दिया उसके बाद आपका क्या आना चाहिए था? एक्सेप्टेंस। लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ आपने कंडीशन डाल दी, और जब कंडीशनल एक्सेप्टेंस डल जाती है तो काउंटर ऑफर हो जाता है। याद आया? उसके बाद हम आए थे स्टैंडिंग ऑफर पर, और स्टैंडिंग ऑफर किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जो स्टैंड्स ओपन है, एन ऑफर विच स्टैंड्स ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, 5 दिन के अंदर अंदर आप जवाब दे सकते हैं, 7 दिन के अंदर आप जवाब दे सकते हैं, 15 दिन के अंदर आप जवाब दे सकते हैं, 30 दिन तक ये ऑफर खुला है, ऐसे ऑफर को क्या कहा जाएगा? स्टैंडिंग ऑफर। इज दैट क्लियर? तो कौन कौन से ऑफर थे? जनरल, स्पेसिफिक, अनकंडीशनल, कंडीशनल, एक्सप्रेस्ड, इंप्लाइड, क्रॉस, काउंटर एंड स्टैंड। इसके बाद हम आए थे कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के क्या रूल्स है? सर एक ऑफर वैलिड कब होता है? तो हमने पढ़ा था रूल नंबर 1, और मैंने कहा था ये रूल नंबर वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये रूल सिर्फ हम किससे बात कर रहे हैं, रूल सिर्फ हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर ऑन रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था। क्या था हमारा रूल नंबर 1? ये था दैट ऑफर मस्ट बी गिवन विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट
लीगल रिलेशनशिप, ऑफर इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि हम एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। हर कही गई बात ऑफर नहीं होती। सोच रहा हूं ये मकान बेच दूं, कोई अच्छा ग्राहक मिले, अगर 10 लाख दे दे तो आज ये मकान बेच दूं। आदमी 10 लाख लेके आ गया, बेच दे। ओ भाई मैं बात कर रहा था, हेलो। हर की गई बात ऑफर नहीं होती जब तक कि उसे करने के पीछे ये इंटेंशन ना हो कि अपने को कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी। गॉट इट? आप हमें पढ़ाएंगे क्या इसमें? आप लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो कि आप मुझे टीचर और अपने आप को स्टूडेंट बनाना चाहते? हेलो, कोई मुझे पढ़ा दे तो बड़ा अच्छा हो जाए। ये सिर्फ एक जनरल बात है, इसे ऑफर नहीं कहा जाता। मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो लॉ पढ़ी लूँ, ये भी कही गई बात है। भैया ये चश्मा कितने का दिया? भाई ये इंक्वायरी है, इसे ऑफर नहीं कहते। याद आ गया? फिर था रूल नंबर 2, भाई ईमेल करो, फैक्स करो, एसएमएस करो, खुद फेस टू फेस बोल दो, कबूतर जा कर दो, चिट्ठी भेज दो, जो करना है करो। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा? जब अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन में एक दूसरे से 1-to-1 प्यारी बातें हो पा रही हो, फोन पर या लिखित में आपने सही पते पर कुछ भेज दिया। ओके, ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। फिर आया था रूल नंबर 3, क्या था? ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड नॉट वीग। मेरे पास 4 कार हैं और आपने बोला सर मुझे आपकी कार चाहिए, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं। ओ भाई आपका ऑफर ही गलत है, मेरे पास 4 है, आप कौन सी खरीद रहे हो? हेलो, हमें 10 मीट्रिक टन तेल भेज दो। कौन सा? गैसलेट भेजते हैं, आग लगा लो घर में। याद आया एग्जांपल? ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेग। ऑफर मस्ट बी क्लियर, ऑफर मस्ट नॉट बी वेग। एनी डाउट? गुड। तो रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 हो गया। मैं अगर ऐसा बोलूं ये मेरा मोबाइल आप 10,000, 15,000, 20,000 या आपकी जितनी औकात हो मैं खरीद लूं, तो ये ऑफर भी क्या कहलाएगा? वेग। समझ में आया? रूल 4 हमने पढ़ा था, क्या था? ऑफर मस्ट कंटेन ऑल कंडीशंस इफ एनी इन ऑफर इटसेल्फ। ऑफर के साथ ही ऑफर की कंडीशंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। रूम बुक करने के बाद रूम के अंदर जाकर दीवार पे अगर लिखा हुआ है कि टॉवेल आपका लगेगा, कंबल के पैसे अलग लगेंगे, गर्म पानी के पैसे अलग लगेंगे, पानी के पैसे अलग लगेंगे, चाय मंगवाने के पैसे अलग लगेंगे, तो मैं ऐसी होटल में जाके करूं क्या भाई? ओ भाई जब मैं रूम ले रहा था होटल में तभी मुझे बता देते कि इतनी सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। मैंने रूम ले लिया उसके बाद तुम दीवार पे लिखा हुआ दिखा रहे हो कि ये सब चीजें हैं, तो भाई कैसे काम चले? याद आया एग्जाम्पल? ऑफर मस्ट बी कंटेन ऑल कंडीशंस इफ एनी इन ऑफर इटसेल्फ। उसके बाद था देयर मस्ट नॉट बी एनी नेगेटिव कंडीशन इन ऑफर नॉन कंप्लायंस ऑफ विच कैन बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस।
There must not be any negative condition in offer, non-compliance of which can be treated as an acceptance. कोई भी ऐसी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऑफर में जिसका पूरा ना होना एक्सेप्टेंस कहलाए. ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऑफर में जिसका पूरा ना होना एक्सेप्टेंस कहलाए. क्या आप मुझे 20 किलो मटेरियल मंडे तक भेजना चाहते हैं? अगर आपका 3 दिन में जवाब नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि आप भेजना चाहते हैं. क्या आप मेरी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं? 10 मिनट में जवाब दीजिए कि आप मेरी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं. अगर आपने 10 मिनट में जवाब नहीं दिया तो 11वें मिनट से आप मेरी बैच में हैं. हेलो, This is not at all a valid offer. ये एक valid offer नहीं है. और हर व्यक्ति को इतनी तमीज होनी चाहिए कि वो offer is different from invitation to offer को समझ सके. आइए आइए आइए, बैच चालू हो रही है. इनविटेशन टू ऑफर है. सेल सेल सेल, इनविटेशन टू ऑफर है. 3 शो में चल रहा है. आइए आइए आइए, इनविटेशन टू ऑफर है. इंदौर से मुंबई ले जाने का किराया इतना है, इनविटेशन टू ऑफर है. होटल का मेन्यू कार्ड, इनविटेशन टू ऑफर है. दोज ऑल आर व्हाट, इनविटेशन टू ऑफर. दे आर नॉट ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर जो है वो ऑफर जनरेट करने के लिए होते हैं. हेलो, इनविटेशन टू ऑफर जो होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि ऑफर आए. इज दैट क्लियर? इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होते. तो इतने रूल्स थे किसके? रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर. इसके बाद हमारे पास आए रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस. सबसे बड़ी यूनिट है ये. वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स हैं? वैलिड एक्सेप्टेंस का सबसे पहला रूल है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैंने अगर आपको कहा है कि क्या मुझे 100 मीट्रिक टन माल दोगे और आपने कहा यस सर 50 मीट्रिक टन भेज देंगे, तो वो 50 मीट्रिक टन एब्सोल्यूट नहीं है. हेलो, मैंने कहा क्या 100 मीट्रिक टन मटेरियल भेज दोगे, आपने कहा भेज तो देंगे लेकिन पैसे पूरे पहले ही चाहिए, तो आपने फिर अनकंडीशनल नहीं दी, कंडीशन लगा के दी. हेलो, जबकि एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल. गॉट इट? फिर आया था रूल नंबर 2, जिसका कहना था क्या, अगर जनरल ऑफर है तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय एनीवन हु हैज नॉलेज ऑफ ऑफर. जिसे भी ऑफर का नॉलेज है वो जनरल ऑफर में क्या कर सकता है? स्पेसिफिक ऑफर. एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय ओनली ऑफरी.
जिसे ऑफर दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्टेंस देगा, कोई और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। याद आ गया? अरे हेलो, देखते हैं रूल नंबर 3 में आपको कुछ याद आता है कि नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन रिएक्शन टू एन ऑफर। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव दास, कौन सा केस था यहां पे? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, अरे भूल गए क्या? गौरी दत्त के गुमे हुए बेटे को लालमन इसलिए ढूंढ कर लाया था क्योंकि लालमन को गौरी दत्त ने कहा था कि तुम शहर जा रहे हो तो अगर मेरा बेटा मिले तो लेकर के आना। हेलो, उसके बाद गौरी दत्त ने एक जनरल ऑफर निकाला कि जो भी मेरे बेटे को भतीजे को ढूंढ के लाएगा 500 रुपए का इनाम पाएगा। लेकिन इस ऑफर की सूचना किसके पास नहीं थी? उस लालमन के पास जो शहर गया था। वो शहर से बेटे को ढूंढ लाया और अब आकर उसने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि मैंने काम कर दिया, मुझे पैसे दो। तो एम्प्लॉयर ने कहा कि तुमने मेरे भतीजे को इसलिए ढूंढा क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें वो ऑफर तो मालूम ही नहीं था, तुम्हें वो ऑफर तो मालूम ही नहीं था जिस ऑफर में 500 रुपए की बात की गई थी। याद आ गया? गुड। फिर आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 आया था दैट एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय कंडक्ट। एक और केस था जिसका नाम था मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। याद आया? जब पहली बार एक एपिडेमिक फैला था तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने स्मोक बॉल लॉन्च की और सबको ऑफर दिया कि आप दिन में 3 बार इस स्मोक बॉल को सूंघो, नहीं होगा आपको इन्फ्लुएंजा और फिर भी हो जाए तो हम 100 पाउंड देने को तैयार हैं। बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट कर दिए। श्रीमती कारगिल ने दुकान से खरीद के 3 बार नियम से दिन में सूंघा लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। जब कोर्ट में मामला गया तो कार्बोलिक स्मोक बॉल ने कहा कि ये तो पब्लिसिटी स्टंट था, ये तो इनविटेशन टू ऑफर था और ऊपर से श्रीमती कार्लिल ने कब उसे खरीदा और कब सूंघा इसका कोई हिसाब नहीं है। मिसेस कार्लिल ने ला करके दे दिया कि कब उन्होंने इसे खरीदा था और सूंघा था। तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उनका खरीदना और सूंघना ही क्या था, एक्सेप्टेंस थी एंड दैट एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय कंडक्ट। Got it? उसके बाद आया था रूल नंबर 5। एक्सेप्टेंस में साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। याद आया? यहां साइलेंस का मतलब क्या? नो रिएक्शन। हेलो, यहां साइलेंस का मतलब क्या है? यहां साइलेंस का मतलब है नो रिएक्शन, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इज नोन एज साइलेंस इज नॉट अ एन एक्सेप्टेंस। साइलेंस किसी भी तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं है। Now, अब आगे अब रूल नंबर 6 बोलता है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन इन
सेम मैनर। याद आ गया आपको एग्जांपल? हेलो। एंड इफ गिवन सेम मैनर एज रिक्वायर्ड इन ऑफर, इफ गिवन डिफरेंटली if given differently the offerer should object, if not objected the acceptance will be valid। याद आ गया? खत्री सर ने रविजीत सर को कहा था कि अगर तुम हमें 100 मीट्रिक टन माल भेजने के लिए तैयार हो तो ईमेल द्वारा सूचित करो। इंटरनेट की खराबी के कारण रविजीत सर की सेक्रेटरी ने जाकर के खत्री सर को कहा। अगर खत्री सर को ऑब्जेक्शन था कि ईमेल द्वारा मांगी गई एक्सेप्टेंस को फीमेल द्वारा क्यों दिया जा रहा है, तो उन्हें वहीं के वहीं ऑब्जेक्शन लेना था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हेलो। तो अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो वो वैलिड है, ऑब्जेक्शन ले लेते तो वो वैलिड नहीं होता। हेलो। रूल नंबर 6 के बाद रूल नंबर 7 हमने पढ़ा था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन टाइम। याद आया? मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। भैया डबल चीज बस पिज्जा है क्या? उसने कहा साहब बताता हूं। शाम रात को फोन आया, हाँ हाँ भेज देंगे, लपड़ मार देंगे साले। हैं सुबह 8 बजे 10 बजे तेरे को फोन कर रहे हैं कि भैया पिज्जा है क्या, रात को 10 बजे जवाब दे रहा भैया भेज दूं क्या। भैया अब तक तो खा पी के सब निपट गए, अब ये एक्सेप्टेंस किसी काम की नहीं है। और आठवां रूल जो था वो बहुत क्लियर था, दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। और लैप्स ऑफ ऑफर कब होता है भैया? मैंने ऑफर दिया और कहा 31 मार्च तक जवाब दो, अगर 31 मार्च तक जवाब नहीं आए तो ऑफर खत्म हो जाएगा, तो 31 मार्च के बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा। मैंने ऑफर दिया और आपने रिजेक्ट कर दिया, वो ऑफर वहीं लैप्स हो गया। मैंने ऑफर दिया आपने काउंटर ऑफर दे दिया, ऑफर वहीं लैप्स हो गया। मैंने ऑफर दिया आप एक्सेप्टेंस दो, उसके पहले मैंने ऑफर रिवोक कर दिया, ऑफर लैप्स हो गया। मैंने ऑफर दिया सामने वाला एक्सेप्टेंस देता उसके पहले सामने वाले की डेथ हो गई, ऑफर लैप्स हो गया। ऑफर दिया एक बंदे ने उसकी डेथ हो गई उससे पहले कि वो एक्सेप्ट होता, ऑफर लैप्स हो गया। याद आ गया? अब बात आती है यूनिट नंबर 1 में सबसे आखिरी बात, और वो आखिरी बात है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे होता है। तो अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की, ताकि ये यूनिट खत्म हो जाए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? व्हेन ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जब ऑफरी के नॉलेज में ऑफर आता है तो ही ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा होता है।
संजय लीला भंसाली ने कैटरीना कैफ को ऑफर दिया कि मैं नई मूवी बना रहा हूँ बावरिया, उसमें मैं तुम्हें हीरोइन लेना चाहता हूँ। ऑफर पोस्ट हुआ 10 तारीख को, पहुंचा 12 तारीख को। कैटरीना बाहर थी, 15 तारीख को आई, लेकिन डाक उसने पढ़ी 16 तारीख को। वो डाक हिंदी में थी, हिंदी उसको आती नहीं थी। फिर 18 तारीख को एक बंदा जिसे हिंदी आती थी उसने उसे पढ़ के सुनाया कि तुम्हें ये ऑफर दिया गया है, तो ऑफर के कम्युनिकेशन की डेट क्या होगी? 18 तारीख जिस दिन उसे समझ में आया। हेलो, चलिए, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन 2 फोल्ड में पूरा होता है। एक होता है अगेंस्ट प्रपोजर और एक होता है अगेंस्ट एक्सेप्टर। अगेंस्ट प्रपोजर एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर। अगेंस्ट प्रपोजर कब खत्म हो जाता है? व्हेन एक्सेप्टेंस पुट इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। When acceptance put in the process of communication and acceptor loses its control over it. When acceptance put in process of communication. Hello. When acceptance put in process of communication, when acceptance put in the process of communication and acceptor loses its control over it. चले आगे। और अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगी? व्हेन एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। याद आया? समझाता हूं ना, अभी लिखना है अभी तो आपको, फिर समझा रहा हूं। लिख लिया? चलिए अब समझते हैं। मैंने एक्सेप्टेंस को डाक के डब्बे में डाला, अब उसके बाद मेरा उसके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया। तो आपने अगर प्रपोजल दिया था तो आपके प्रपोजल आपने मुझे भेजा और मैंने डाक के डब्बे में एक्सेप्टेंस डाल दी, मेरी तरफ से आपके अगेंस्ट कम्युनिकेशन पूरा हो गया, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन आपको कभी भी पहुंचे उससे मतलब नहीं। हेलो, आपके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट कब बन गया? आज। हेलो, लेकिन मेरे अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ एक्सेप्टेंस का? जब आपको पहुंचा तब। हेलो, अब मैं एक एग्जांपल लेकर के ये यूनिट खत्म कर रहा हूं, आप मुझे फटाफट बताना कि क्या हुआ। ए ने 1 अप्रैल को एक कम्युनिकेशन किया बी को ऑफर का, जो बी को मिला 4 अप्रैल को और बी ने पढ़ लिया। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? 4 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को इसने अपनी एक्सेप्टेंस डाक के डब्बे में डाल दी, जो यहां पहुंची 10 अप्रैल को। तो बताइए इस बंदे के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया? 6 अप्रैल को। नहीं, इस बंदे के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा?
10 अप्रैल को, लेकिन इस बंदे के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो गया? 6 अप्रैल को। सुनो, अगर ये अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है, ये अपने ऑफर का खंडन करना चाहता है, तो इससे पहले कभी भी कर दे, हेलो। लेकिन ये अगर अपनी एक्सेप्टेंस का खंडन करना चाहती है तो इससे पहले कभी भी कर दे। अगर आपने एक लेटर यहां भेज दिया है जिसमें एक्सेप्टेंस है, और अगर आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेंस को क्या करना चाहिए, रिवोक, तो ये लेटर पहुंचे उससे पहले पहले आप पर्सनली पहुंच जाओ, या आई पे कोई नया लेटर दे दो, या आप कोई टेलीग्राम दे दो जो उससे पहले पहुंच के एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दे। हेलो, हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ओ हेलो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा? 10/4 को। इसके पहले पहले आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। लेकिन ऑफरर अपना ऑफर कब रिवोक कर सकता है? एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट अगेंस्ट हिम। और अगेंस्ट हिम कब कंप्लीट हो रहा है? यहां। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आपकी यूनिट नंबर 1, जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से निश्चित रूप से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, और फिर 5 मिनट का नहीं, अब हम ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का, ताकि इसको भी वो लोग लाइव कर दें। 10 मिनट बाद हम शुरू करेंगे यूनिट 2 और यूनिट 3, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और उसके बाद यूनिट 5 और 6। गॉट इट? चलिए तो अब अच्छा 10 मिनट मस्त ब्रेक लीजिए, और तुरंत वापस मिलिए, फिर करेंगे यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 2 यूनिट 3 होते ही अपना 15 नंबर पक्के, 5 नंबर तो यूनिट। जी बाबूजी, चलें आगे। Thank you.